हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ ईद थर्ड डे और आज हमारा ईद का तीसरा दिन का शूट है। दो दिन हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं तो आज तीसरे दिन हम लोग कोई ख़ास एक्टिविटी हमारे पास थी नहीं। पहले दिन तो हम लोग जो है अपनी मेन सेलिब्रेशन थी। हाय हाय, वो आई थिंक उस साइड पे इंडेक्स आप ये देख के चलो, मैं वो अपनी डक ले आऊं। तो आज हमने मतलब पहले दो दिन तो हम लोग डाइनिंग करते रहे हैं, घूमते फिरते रहे हैं मॉल्स वगैरह में, मतलब थोड़ा फॉर्मल था। तो इन दो दिनों में द थर्ड डे हमने सोचा कि हम आएंगे पार्क। आज फ्राइडे भी था, फ्राइडे की प्रेयर में पढ़ के आया हूँ तो हमने कहा कि चलते हैं पार्क में। तो हमारे साथ ही एक पार्क है जो कि बेसिकली एक रिवर बेसिन है। यहाँ पे दरिया था जो कि अभी थोड़ा बहुत इस मौसम में बहता है। तो इसमें ये क्या होता है कि ब्रिज है और उसके साथ ना डक्स होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं डक्स, ये वाली। सो इन डक्स को हमने सोचा कि आगे हम लोग ब्रेड वगैरह खिलाते हैं। इब्राहिम जो है वो ये मेरी डक, परिंदों को देख के इब्राहिम बहुत खुश होता है। हाँ जी, कितनी डक्स हैं? ले आओ, तीन है। तो बेसिकली इसके साथ है हमारा, एक दो वीक पहले हमने एक ब्लॉग डाला था रेलवे म्यूजियम का। तो पीछे हमारे इधर रेलवे म्यूजियम है और ये हाईवे 16 पे ही है। तो इसमें एक पार्क है, साथ में फॉरेस्ट है। तो उसके साथ एक ये रिवर का बेसिन है, मतलब पानी है, रिवर है, आगे जाके प्रॉपर रिवर है आगे जाके ना सिर। तो लोग यहाँ पे अपने डॉग्स वगैरह को लेके आते हैं और वो जा रही हैं, हाइकिंग करते हैं, वॉक करते हैं। तो ये रहा जी। या बलोशा, आपका माइक कहाँ पे है? चलाया माइक? अच्छा, मगर ये आप भी जाओ, वो चाह रही हैं, फेंको ना ताकि वो इधर आए। ये पकड़ो, आप ये पकड़ो, मैं इब्राहिम खिलाते हैं डक्स को, उसको पर फेंको ना, वो इधर आए। इब्राहिम आ जाओ बेटा, इब्राहिम देखो चूचू। आ आ आ आ करो, ऐसे करते हैं ना इन लोग। हाँ, देखो चूचू आया, इब्राहिम आ जाओ। यार चाइना की डक्स जो थी और फिश हम जिनको जाके खिलाते थे वो तो भाग के आती थी, ये तो शर्मीली हैं। लगता है डर रही हैं। आई डोंट नो, बट ब्रेड है वो भी मीठी ब्रेड है और इसके अंदर रेजन्स भी हैं तो इनको खाने तो चाहिए। आ रही हैं। ब्रेम चूचू देखें, पता नहीं कोई एक आध उठाया है डक्स ने ब्रेड का पीस और फिर हमें देख के डर जाती हैं। तो खैर हम इधर ही छोड़ जाते हैं ब्रेड, क्या कहते हैं उधर रखें, वो कवे भी खा लेंगे। हैं कवे को फेंको? नहीं, उधर जाके मैं खुद रखता हूँ। और इब्राहिम आगे ना जाना बेटा, गिर जाओगे। हैं इनको डांट रहे। हाँ, हमारी विंडो में आके बैठते हैं कबूतर और इब्राहिम उनके साथ जो है वो बातें करता रहता है। तो अभी इनके साथ लगा हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको एक किस्म के बाल दिखाता हूँ जो आपने सारी ज़िंदगी नहीं देखे होंगे। ये हेयर स्टाइल जो आप लोशा का आपने देखा है? क्या है मेरी हेयर स्टाइल को है? कंघी करने का टाइम नहीं मिलता। कंघी करने का टाइम सारी दुनिया करती है उनको। और इब्राहिम आ जाओ, उस साइड भी कोई है? हाँ, उस साइड भी कुछ है। हाँ, वॉक करवा रही हैं डॉग को। नहीं मतलब के परिंदे हैं वहाँ पे? परिंदे तो आई डोंट थिंक सो, परिंदे खाते हैं। और कवे हैं इस साइड पे। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी ट्रॉली के ना टायर छोटे हैं, यहाँ पे नहीं चलेगी, ये बड़ी लेके आनी चाहिए थी हमें ना। क्या स्ट्रोलर? ये नहीं चलेगी यहाँ पे नीचे, तो हमें ट्रेल के ऊपर जाना पड़ेगा। ट्रेल के ऊपर कोई बात नहीं, चला लेते हैं। इब्राहिम को फिर वॉक करवा लेते हैं थोड़ी सी। आओ उधर चले, तो आप उत्तर। ईद का तीसरा दिन है जी, एज आई टोल्ड यू। और हमारी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी आज। हम लोग आए हैं इस जगह पे जिसको यहाँ पे कहते हैं कॉटन वुड पार्क। पार्क के साथ बेसिकली ये एक खुला सा एरिया है फॉरेस्ट का। हर कनाडा में हर
4-5 किलोमीटर के बाद इस तरह की चीज़ होती है, फॉरेस्ट और लेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ आ रही हैं। हाँ हम लोग इधर से हटे हैं ना, तो डक्स जो हैं अब आके खा रही हैं खाना, डर रही थी पहले। अब ऐसा करो सारा ब्रेड फेंक आओ नुक्कड़ पे ना वो लकड़ियों के पास, क्योंकि मैं ऊपर ब्रिज पे जाके शूट करता हूँ आप दोनों को। क्योंकि आपके पास माइक लगा हुआ है ना। हाँ दैट्स ओके गुड। और बत्तियाँ डर रही हैं। सो मैं जाता हूँ ब्रिज के ऊपर सामने और वहाँ से कुछ शॉट्स लेता हूँ, फोटोज़ भी बनाता हूँ इनकी। और आई होप कि मेरे जो माइक है उसकी बैटरी इनफ और चलती रहे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, बल्कि जब से मैंने लिया मैंने चार्ज नहीं किया इसको। और ये है जी मज़े की पार्किंग। हमारे इस इलाके में सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे पार्किंग बहुत खुली होती है और बिल्कुल फ्री होती है। बड़े शहरों का ये नुकसान होता है कि पार्किंग नहीं मिलती गाड़ियों की, और फिर घूम 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 के गाड़ी में ही वेट करना पड़ता है। तो मज़े की बात है यहाँ की, यहाँ पे है खुली पार्किंग, ठीक है। सो जो लोग इस तरह की जगहों पे घूमते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, सो दे नो व्हाट आई मीन। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो कि इस इलाके में बड़ा कॉमन है कि भाई अपना ख्याल खुद रखें, यहाँ पे रेंच भी है। तो इस इलाके में बियर बहुत ज़्यादा है। अभी जब विंटर ख़त्म अभी तो हो रहा है ना, प्रॉपर विंटर के बाद समर आ जाएगा तो फिर बियर जो है वो निकलेंगे। फिर लोगों के बैकयार्ड में आए होते हैं, एप्पल्स के ट्री होते हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर एप्पल्स लगे होते हैं, सेब खाते हैं आगे बियर्स ना। बियर बेसिकली आते हैं विद फैमिली, बच्चे भी साथ होते हैं उनके, और वो पूरा आके पिकनिक करते हैं लोगों के बैकयार्ड में। कभी मौका मिला तो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। कब इकट्ठे हो गए हैं? कोई बात नहीं, कवों को भी खिलाओ बेचारों को। कवे ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप बाय चांस कवा भी काला है और आपके कपड़े भी काले हैं, तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। आपका पुत्र भाग रहा है कवों के पीछे। हाँ तो सही है ना। इब्राहिम कवों की तो मौज लगी हुई है, कवों के साथ इब्राहिम की भी मौज लगी हुई है। इब्राहिम का ये होता है, इब्राहिम कहते हैं कि बस मुझे छोड़ दो, खुली जगह पे जाऊं और बजरी हो मिट्टी हो मैं उसके अंदर हाथ डालूं और मैं खेलूं उसके साथ। तो इब्राहिम जो है वो बिल्कुल इब्राहिम इधर आओ। वाओ आज मज़ा आ रहा है भाई जूम का। तो 15 प्रो मैक्स का जूम जो है आज काम आ रहा है, मैं इतना यूज़ नहीं करता। तो अभी मैं खड़ा हूँ ब्रिज के ऊपर, तो यहाँ से जो है बलवाशा लोग दूर हैं काफ़ी, सो आई कैन जस्ट जूम इन, जो कि ये बत्तखें भी कैप्चर कर पाऊँ। सॉरी ये हैं डक्स, छोटे साइज की डक्स। हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की होती हैं, चाइना में भी थी, बट आई रियली लाइक दोज बिगर वंस। बड़ी बड़ी जो होती हैं ना बत्तखें वाइट कलर की जो शोर में जाती हैं, हमारे घर में एक होती थी एज अ किड, हमें बड़ी पसंद थी, बल्कि मेरी मासी के डेरे पे होती थी बत्तखें, और जब कोई जाता था तो वो बड़ा शोर में जाती थी। वो देखो तुझे खाना देने आ गया और वो गया। बड़ी मजे की जगह है और वो टावर्स है पीछे ना, आई डोंट नो क्या है। इब्राहिम को बोलो चूचू को बुलाए। बुला रहा है उनको, वो आवाज नहीं आ रही। इब्राहिम आवाज लगाता है, चूचू कह रहा है उनको बाहर इब्राहिम से, तो फिर ऐसे ही बोलता है, गुस्से हो रहा होता है जैसे। इधर आओ
ये देखो जाओ चुचू को दियो यहाँ से एंगल और मजेदार है। मैं आया हूँ ब्रिज की दूसरी साइड पे। ब्रिज क्या है, छोटा सा ब्रिज है बट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये जगह। और मज़े की बात होती है कि इन्होंने ना ट्रेल बनाई होती हैं, जिस तरह सड़कें हैं ना छोटी छोटी वॉक करने के लिए, साइकिलिंग के लिए ट्रेल्स, साइकिलिंग ट्रेल्स या वॉकिंग ट्रेल्स। तो ये साफ़ होता है रास्ता, बेसिकली जंगल के बीच में आप लोग वॉक कर सकते हैं इजीली। और ये दूसरी साइड है नहर की, लेक की, या इसे यहाँ पे क्रीक्स कहते हैं लेक्स को, इस तरह की बड़ी बड़ी लेक्स को ना। एंड डक्स, यहाँ से उतरते हैं नीचे और शूज़ मेरे इतने अच्छे नहीं हैं, हाइकिंग शूज़ नहीं हैं, ये सिंपल शूज़ हैं जॉगिंग वाले, तो डर लग रहा है कि स्लिप भी ना हो जाऊँ इधर। इब्राहिम की तो आज ईद के तीसरे दिन ईद हुई हुई है, देखो भाग भाग रहा इब्राहिम, सही मौज एंजॉय कर रहा है राइट। कीचड़ में भाग रहा है कभी कौन से, मुझे बड़ा डर लगता है। हम छोटे होते थे खेतों में जाते थे ना, तो इनके जब बच्चों का मौसम होता था ना बरसात के मौसम में, या जब ये बच्चे देते हैं तो ये ना ऊपर से आके मारते थे सर में चूचे, तो उस वक्त से मुझे इनसे बड़ा डर लगता है और ना मुझे ये इतने पसंद है। शुक्र से मैंने आज अच्छा के कैप पहनी हुई है तो खतरा नहीं है। डाल दो सारा इनको, वोटर में नहीं जाना। इब्राहिम जो है वो सुवानो गो कहता है कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे पकड़ो ना, आप लोग मुझे पकड़ो ना। इब्राहिम बेटा नो बेटा नो, हाय हेलो इब्राहिम। इब्राहिम को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके, इब्राहिम को रेस्क्यू क्या किया है, ये तो ऐसे भाग के जाता था पानी के अंदर, ऐसे गिरने लगता था, मैं इसको फिर उठा लेता था। इसका था कि मैंने पानी के अंदर जाना है। तो अभी हम लोग वॉकिंग ट्रेल के ऊपर हैं क्योंकि इब्राहिम का स्ट्रोलर जो है वो अंदर रिवर के बेड के ऊपर चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग स्ट्रोलर के अंदर इब्राहिम को बिठा दिया, तो हम लोग बिजी रहेंगे। और इसी साइड पे आगे जाके प्रॉपर रिवर के साइड के ऊपर बच्चे भी खेल रहे हैं इब्राहिम। तो इब्राहिम थोड़ा सा बच्चों को देख लेगा। कैसी लगी इब्राहिम अपना अच्छा जगह? अच्छी है, बारबी हुआ है लेकिन अंदर से। हाँ, आप एक्सट्रीम विंटर में बारबी के लिए जगह भी है, देखो इधर बंदा खाना भी खा सकते हैं। जी 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 जी। हाँ जीत का तीसरा दिन अपलवाशा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने सुनने वालों को, नाजरीन को? सुनने वालों को यही कहूंगी ये बंदा देख रहे हैं ये कैसा क्या कर रहा है, बहुत तंग करता है इब्राहिम जो है ना। आप तो देखो इसके काम देख लो, जब छोटा था तो बड़ा इजी होता था, इसको बिठा दो बस चुप करके बैठे रहना इसने, अब कहता मुझे छोड़ो बस। इसके कीचड़ से भरे हुए जूते थे और कीचड़ से भरे हुए जूतों के साथ ये स्ट्रोलर के ऊपर आ गया, गंदी कर दी इसने। What? सीधा इब्राहिम ने अपनी बात मनवा ली और अल्टीमेटली इधर जा रहे हैं हम, इधर जा रहे हैं हम, वापस कहां जा रहे हो? देखो इसको इतना पता है कि हम उधर से आए हैं। वो उधर ना भाग जाए, स्पीड के साथ जाते हैं आज। ये लो इधर जा रहे हैं, पानी वाटर इधर आ जाओ। और ये है जी दरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आगे जाके इब्राहिम को देखना, मैं शॉट ले रहा हूं इधर से एक। ये है जी दरिया, आगे आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपर रिवर, इसे कहते हैं नचाको रिवर, यहाँ पे फ्रेजर रिवर भी इसको कहते हैं, कहीं आगे जाके मिलता है ये। और ये है जी सारा रिवर, वो देखो पापा, इट इज़ ब्यूटीफुल एक्चुअली, वेरी ब्यूटीफुल टुडे।
आगे आ जाओ आप लोग। तो ये है जी हमारे साथ ट्रेन का ब्रिज। हम लोग जब वो बैठे होते हैं ना उस जगह पे, वो लिहादी पार्क में, तो ये नज़र आ रहा होता है ना ये ब्रिज, हम उस साइड पे होते हैं उस वक्त। तो ये है जी ब्रिज। ध्यान से, अब ये सीधा पानी में घुसेगा, इसने ये नहीं देखना कि ये पानी और मेरे शूज़ नहीं है। इब्राहिम बेटा ऐसे फेंको, ये देखो ना, ऐसे स्टोन उठाओ ऐसे बेटा, ये ऐसे स्टोन उठाओ और ऐसे ये इधर देखो, ये जो ये है जी हमारा ईद का तीसरा दिन। और हम लोग नद पे या चश्मे पे या हमारे लोग हेड बल्लो की रावी पे जाते हैं ईस्टर्न पंजाब के। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने नचाकू रिवर के ऊपर का तीसरा दिन। एक्टिविटी मिल गई है इब्राहिम को। अभी शाम का वक्त है और सूरज जो है वो आई थिंक ग़ुरूब होने वाला है, बिकॉज अभी टाइम है 6 बजे का, बल्कि 7 के बाद होगा, क्योंकि आखिरी रोज़े जो है वो तकरीबन 8 बजे अफ्तार हो रहे थे। तो अभी खैर 2 घंटे पड़े हैं सनसेट होने में, और चूँकि आज थोड़ा सा क्लाउडी डे है तो सूरज जो है नज़र हमें नहीं आ रहा। हाँ जी, तो हम लोग तकरीबन 20 मिनट की वॉक के बाद पहुंच गए हैं एग्जैक्ट रिवर्स के बैंक के ऊपर, और इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ पे हैं परिंदे बहुत ज़्यादा देखो। और इब्राहिम जो है उसकी कोशिश है कि हाथ छुड़ा के सीधा पानी में जाया जाए, और ये देखो पानी में घुस गया। बेटा मज़ा आ रहा है? इब्राहिम जमी बेटा, दरिया है ये। और हम लोग आए हैं वो सामने जहाँ पे बेंच पड़े हैं हम लोग, क्योंकि इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि हम लोग इस साइड से घूम के आए, क्योंकि वहाँ पे सारा पानी था, और हमारी स्टोलर खड़ी है वो सामने। और इब्राहिम साहब इंजॉय कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जो है वो शूट जो है यहाँ पे एंड करते हैं। ये सारा रिवर बेसन है यहाँ पे, बेसिकली सूखा पड़ा है और कुछ पार्ट है इसका ये चल रहा है दरिया का। हाँ जी, हम वापस जा रहे हैं, और ये देखो वही देख रही, मैं बच गई हूँ। हाँ गलत आ गई, इधर मुड़ना है।
वैसे बगलों के बारे में आप क्या फरमा रहे थे? यहाँ के बगले डिफरेंट हैं। बगले डिफरेंट हैं यहाँ के। हाँ देख, हाँ देखो ना इनका कद छोटा है। बगले कबूतरों की शक्ल के। हाँ पहले मैं समझी कबूतर हैं, जब मैं पास गई तो कबूतर नहीं थे। आई थिंक गर्दन लंबी होती है और टांगे भी लंबी होती है। हाँ देखो ना डिफरेंट है खाना मांगने।